से तकनीक के इस्तेमाल के बावजूद ड्राइवर तेल चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुद नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने औचक निरीक्षण के दौरान कुछ ड्राइवरों को ऐसा करते हुए पकड़ा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, दिन से इस RFID के जो हमारा टैग था इसको लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि शिकायतें मिल रही थी लगातार कि जो हमारे ड्राइवर लोग हैं या अन्य लोग हैं वो लोग इनमें से कई RFID का जो टैग है उसको निकाल ले रहे हैं और अलग से जो है गाड़ियों में तेल भरा जा रहा है और इस टैग के माध्यम से अलग गैलन में या अन्य चीज़ों में तेल लेकर जा रहे हैं। लगातार सूचना मिलने पर हम लोगों ने उपनगर आयुक्त साहब और अपनी टीम के साथ जो तीन हमारे मुख्य रूप से रुस्तमपुर स्पोर्ट्स कॉलेज और नकाहा और लाल डिग्गी में इंडियन ऑयल की जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हम लोगों ने छापा मारा है, तो वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे भी वाहन मिले जिसमें कि उसमें RFID के टैग लगाया गया था लेकिन उसमें वो लोग लगाए हुए नहीं थे, उसको निकाल के उन्होंने अलग कर रखा था। और निश्चित रूप से यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनके जो वहाँ पे काम करने वाले लोग वो भी जिम्मेदार हैं कि जब उनको मना किया गया है कि किसी भी RFID टैग के बिना किसी भी गाड़ी में किसी भी वाहन में ईंधन ना दें, इसके साथ ही साथ किसी अन्य सरकारी वाहन के जो हिस्से का डीजल या पेट्रोल है उसको गैलन में या किसी अन्य चीज़ों में ना दें। इस संबंध में कार्रवाई की गई है और ऐसी कई शिकायतों को सही पाया गया है। इसमें से कुछ ऐसे भी वाहन चालक मिले हैं जो कि CLC में काम करते हैं लेकिन वो खुद वाहन नहीं चलाते हैं और उन्होंने अपनी जगह किसी को एंगेज कर रखा है और ये भी देखने में आया कि वो एक दिन जो है तेल भराते हैं और एक दिन का जो तेल है वो गैलन में अन्य जगहों में लेकर जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी शिकायतों में कार्रवाई करते हुए दो जो वाहन चालक थे उनको बर्खास्त भी कर दिया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है और इसके अलावा सभी को चिट्ठी जारी कर दी गई कहीं पर भी हमारे वाहन के अलावा जिसमें RFID टैग लगा हुआ है सिर्फ उसी टैग वाले वाहन को ही तेल दिया जाए, अन्य किसी को नहीं दिया जाए। एक समय भी 8 बजे निश्चित कर दिया गया कि 8 बजे के भीतर ही दें और कोई आकस्मिक ऐसी स्थिति पैदा होती है तो 2 बजे के बाद अगर वो तेल देना भी पड़ता है तो उसके संबंध में वो तेल देने से पहले जो उच्च अधिकारियों से